हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं जो अपना चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स में हमारा टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद देखेंगे जो अपना ऑक्टेट रूल होता है वो क्या होता है, उसके एक्सेप्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अगर कोई भी अणु का निर्माण, जैसे हमारे पास में क्या है, CH4 है, तो कोई भी अणु का निर्माण करने के लिए जो उसमें परमाणु भाग लेते हैं, उस परमाणु में जो बंध बनाने के लिए जो केवल क्या होते हैं, जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने बंध बनाते हैं या जितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, कार्बन, इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़े हुए 4। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6, तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और आपके कार्बन का कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 2 तो s के और 2 p के। तो कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इस प्रकार जो बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आया था लुइस नामक, तो उसने क्या किया था, जो भी आपके संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या किया था, डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया था, यानी इस प्रकार बिंदुओं के रूप में रिप्रेजेंट किया था। उनको क्या बोला जाता है, उनको लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट से बोला जाता है, यानी लुइस इलेक्ट्रॉन प्रतीक बोला जाता है। उसके बाद जैसे एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, जैसे हमारे पास में क्या है, लिथियम है, तो लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आता है, 1s2 2s1। तो इसने क्या किया था, लिथियम के ऊपर एक डॉट रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में क्या आता है, बेरिलियम, बेरिलियम के पास में क्या होते हैं, संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, दो बिंदुओं ऊपर लगा दिए, दो जो भी दो डॉट्स होते हैं। जैसे प्रकार जैसे हमारे पास में क्या कार्बन है, तो कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, तो 1 2 3 4। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया था, जितने भी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बिंदुओं के डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। जितने डॉट्स होते हैं उतने क्या होते हैं, उसके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो ये थे आपके कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम में कितने होते हैं, और जितने वैलेंस, जितने आपके इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वो एटम उतने ही बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड। जैसे लिथियम के पास एक है तो एक बॉन्ड बना सकता है, बेरियम के पास कितने हैं, 2 हैं, तो एक क्या कर सकता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन के पास में कितने हैं, 4 है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। अगर 4 से कम ज्यादा बनाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। तो ये थे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जो अपना ऑक्टेट रूल होता है वो क्या होता है। ऑक्टेट रूल, जिसको क्या बोला जाता है, अष्टक नियम बोला जाता है, अष्टक अष्टक नियम। तो ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि अगर कोई भी जो परमाणु होता है या कोई भी यौगिक या कोई भी परमाणु अपने संयोजकता कोष में, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता कोष में क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, कि यानी उसके जो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो क्या कहलाता है आपका, ऑक्टेट रूल कहलाता है। जैसे किसी पर परमाणु के पास क्या आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वो कंपाउंड, वो आपका एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, या वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। ये तो क्या कहलाता है आपका, ऑक्टेट रूल कहलाता है। यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
और जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी के पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरों के साथ में इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, एक तो साझा कर सकता है या क्या कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा इसने क्या बताया था, ऑक्टेट रूल है, जो आपकी जो नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज कौन सी, जीरो ग्रुप की, तो उसके बायटम कोष में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो जिसके पास में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, उसके पास में स्थायी विन्यास प्राप्त है, इसलिए वो दूसरे के साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करेगा। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, या 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो। इसी प्रकार क्या होता है अपना, एक हीलियम होता है, उसके पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, वो फिर भी क्या होता है, वो स्टेबल होता है, वो भी क्या है, नोबल गैसेज होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो आपके हीलियम होता है उसके पास एक ही क्या होता है, कक्षक होता है, इसलिए वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, अपने ऑक्टेट में, अपने कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, किसमें, संयोजकता कोष में। लेकिन इसके भी क्या थे, बहुत सारे कुछ अपवाद थे, जिसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, कुछ में क्या आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से कम पाए जाते हैं, कुछ में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक पाए जाते हैं, कुछ में क्या होते हैं, जो आपके नोबल गैसेज होती है वो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो आपका केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक यानी जो आपका केंद्रीय परमाणु होता है उसमें क्या होता है, उनके अष्टक होता है वो इनकम्प्लीट पाया जाता है। जैसे हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड BCl2, तो बेरिलियम क्लोराइड कैसे करेगा, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, तो एक बेरिलियम के पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 4 है, यानी ऑक्टेट रूल वो क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार आपका लिथियम क्लोराइड है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें लिथियम के पास में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करता है, आपके जो आपका केंद्रीय परमाणु है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार आपका BF3 होता है, ये फ्लोरिन कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी क्या करता है, आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ये इसके क्या है, एक्सेप्शन है, यानी जो अपवाद बोला जाता है, यानी अपवाद क्या होते हैं, जो उस रूल को फॉलो नहीं करते उनको क्या बोला जाता है, अपवाद बोल दिया जाता है। तो ये थे क्या थे, कुछ एग्जांपल जो जिनका क्या था, केंद्रीय परमाणु का जो आपके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। कुछ क्या करते हैं, जो केंद्रीय परमाणु होता है उनका क्या करते हैं, केंद्रीय परमाणु का जो ऑक्टेट होता है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक का प्रसार, अष्टक का प्रसार का मीनिंग है कि उसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है PCl5, SF6, IF7, तो PCl5 में कितने हैं, 5 क्लोरीन अटैच हैं। तो इस फास्फोरस के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। SF6 की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये आपके फ्लोरीन, तो सल्फर के आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी प्रकार IF7 में देखेंगे तो आयोडीन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तक क्या होना चाहिए, अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास में 12 है, आयोडीन के पास में 14 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी क्या होते हैं, कंपाउंड स्टेबल होते हैं, यानी इसके जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। ये भी क्या हो गए, इसके अपवाद हो गए, यानी इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा जो आपके ऑक्टेट ने क्या बताया कि जिसके पास में क्या हो,
बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जीनोम के बाह्यतम कोश में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन जीनोन और जो फ्लोरीन होता है वो आपस में क्या करते हैं कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी क्या करते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जीनोन डाइफ्लोराइड है, टेट्रा फ्लोराइड है, हेक्सा फ्लोराइड है, इसी अलावा जीनोन ऑक्सा डाइफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड, इस प्रकार के क्या होता है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है कौन जीनोन, जबकि इसके बाह्यतम कोश में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर भी क्या कर रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ये आपके बॉन्ड ये आपके अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा देखते हैं कि जो आपके ऑक्टेट रूल के अलावा क्या होती है जो अणुओं की जो संरचना होती है, अणुओं की संरचना वो भी क्या कर सकते हैं आसान से कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन ऑक्टेट के ने क्या बताया कि अणुओं की संरचना के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन इनके द्वारा अणुओं की संरचना ज्ञात की जा सकती है, ये अपना ऑक्टेट रूल है उसके एक्सेप्शन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।